सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि, यानी आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि हमने पूरी पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई है हमारी स्वर संधि, आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहले आती है इश्चुत्व संधि। इसका सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु। इसका अर्थ है यदि सकार यानी ये वाला स और तय वर्ग, तैवर्ग यानी कि तय थै दै धै ने के बाद या पूर्व यानी पहले, के बाद पूर्व यानी पहले शकार यानी श और चैवर्ग यानी कि चै छै जै झै यै होने पर आने पर, ठीक है ना, आ जामे। तो स को तो ये वाला स तथा तय वर्ग को तय थै दै धै ने को चैवर्ग यानी चै छै जै झै यै आदेश हो जाता है। यथा जैसे, बेटा देखो ये कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे यानी किस प्रकार से इस स को यानी इस सलेटी वाले स को ये वाला स आदेश करेंगे और तय वर्ग को चय वर्ग आदेश करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा हरीश, हरीश प्लस शेते, हरीश प्लस शेते, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या आ गया है, सलेटी वाला स प्लस उसके बाद में ये क्या आ गया है, श, ठीक है, ये श आ गया है। परिभाषा के अनुसार, इच्छुत्व संधि परिभाषा के अनुसार यानी श के बाद या पहले श ये वाला स आने पर इस स को क्या आदेश हो जाता है, ये वाला स ही आदेश हो जाता है। यानी कि श को श आदेश होने पर हमारा संयुक्त शब्द बन गया बराबर हरीश शेते। क्या बन गया? हरीश शेते, ठीक है, क्या बन गया? हरीश शेते, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। दूसरा है हमारा सत प्लस चरित्रम। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या आ गया, तय वर्ग आ गया, उसके बाद क्या आ रहा है, चय वर्ग आ रहा है, चय वर्ग का पहला अक्षर यानी चय वर्ण आ रहा है, यहाँ तय आ गया और यहाँ चय वर्ण आ गया, इसलिए इस तय को क्या आदेश कर देंगे, यानी कि चय वर्ग आदेश हो जाएगा। और ये तय वर्ग का पहला ही वर्ण है इसलिए वर्ग का पहला वर्ण चय वर्ग में क्या आ जाता है, चय ही आता है, तो तय को क्या आदेश हो जाएगा, चय, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, तय का जब चय आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सच सच्चरित्रम, ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है तत् प्लस चय, तत् प्लस चय, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ गया, तय आ गया, ठीक है, और यहां क्या आ गया, चय आ गया, इसलिए तय वर्ग के बाद यहाँ चय वर्ग आ रहा है तो इस तय को क्या आदेश कर दिया हमने, ये वाला चय, हलंत वाला चय। अब जब मिलाकर लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, तच्चय, ठीक है। उसके बाद है रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती। अब बेटा देखो यहाँ पर कौन सा है, सलेटी वाला सा है, प्लस उसके बाद क्या है, चय यानी वर्ग, चय वर्ग आ गया है, इसलिए क्या बताया कि इस स को तो कौन सा से आदेश हो जाता है, ये वाला से आदेश हो जाता है, ठीक है। अब इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रामश चिनोती, ठीक है, क्या हो जाएगा, रामस चिनोती। उसके बाद है बेटा अगला उदाहरण सत प्लस चित, सत प्लस चित। अब बेटा देखो यहाँ तय वर्ग है और यहाँ कौन सा वर्ग है, चय वर्ग है,
तयवर्ग के बाद चयवर्ग आ रहा है तो इस तयवर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, चयवर्ग आदेश हो जाएगा, यानी ये चय आदेश हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सचित सचित, ठीक है, क्या हो जाएगा, सचित। उसके बाद बेटा अगला उदाहरण है सत प्लस चयन, सत प्लस चयन, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, तय और आगे क्या है, चय, यानी तयवर के बाद चयवर आ रहा है तो तयवर को क्या आदेश कर दिया हमने, चय, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, सच्चयन, ठीक है बेटा। इस प्रकार से इच्छुत्व संधि हमारी कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इस्तो इच्छुना इच्छु सूत्र के माध्यम से स और तयवर्ग, यानी स और तयवर्ग, यानी तय थय देने के बाद में ये वाला स और चयवर्ग यानी चय छय जय आए बाद में या पहले, तो स को, इस स को तो क्या आदेश हो जाता है, ये वाला स, और इस तयवर्ग को, तयवर्ग में अगर कोई भी वर्ण आता है तो इस तयवर्ग के कोई भी वर्ण को चयवर्ग का कोई भी वर्ण आदेश हो जाता है, यानी कि तय वर्ग का पहला है तय है तो क्या आदेश हो जाएगा, यानी तय आ रहा है तो चय, थय आ रहा है तो छय, दय आ रहा है तो जय, और धय आ रहा है तो झय, और नय आ रहा है तो यय, इस प्रकार से आदेश हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में इसको नोट करना है और अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।